तो आज हम बात करेंगे मासी वेंकटेश यंगर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मासी वेंकटेश यंगर जो कि एक कनाडा के काफी जाने माने और काफी अच्छे राइटर थे कनाडा लैंग्वेज के, और इसी के साथ इनको कनाडा लैंग्वेज में बोला जाता है मास्ती कनाडा आस्ती। इसका जो मीनिंग निकलता है हिंदी में वो ये है कि मास्ती कनाडा का खजाना, ये इनके नाम का पहला अक्षर है मास्ती, जो कि इनको आप कह सकते हैं इनके लिए बोला गया है ये पूरा वर्ड जो मैंने आपको बताया। और इनका जो लाइफ स्पैन था वो था 6 जून 1891 से लेकर 6 जून 1986 का, यानी कि 6 जून 1891 से लेकर 6 जून 1986 का। और चलिए अब थोड़ा इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। मास्टी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 जून 1891 को, यानी कि 6 जून 1891 को, और ये हुआ था कर्नाटक स्थित कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हंगनेहल्ली नाम की जगह पे। ये मैं पूरा नाम नीचे में मेंशन कर दूंगा। और मास्टी ने अपना जो चाइल्डहुड बिताया, अपना जो बचपना बिताया, वो बिताया वहीं पे एक मस्ती नाम के गांव में। ये भी मैं गांव का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। और इस गांव में अपना इन्होंने बचपना बिताया है। और उसके बाद इन्होंने 1914 में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर विद आर्ट्स, इन्होंने इस सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी मद्रास यूनिवर्सिटी से। और चलिए थोड़ा इनकी हम लोग करियर लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो मास्टी ने जो अपनी करियर लाइफ शुरू करी थी वो करी थी एज अ सिविल सर्विस ज्वाइन करके, आप कहते हैं सिविल सर्विस के थ्रू इन्होंने अपना करियर चालू किया था। और सिविल सर्विस में ये इन्होंने कर्नाटका के अलग अलग जिलों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अलग अलग पदवी में अलग अलग पोस्ट इनको मिली, और उस सभी अलग अलग पोस्ट में इन्होंने काम किया और फाइनली एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बन गए। और उसके बाद करीबन 26 साल तक इन्होंने ऐसे ही सिविल सर्विस में काम करते रहे। और उसके बाद 1943 में यानी कि 1943 में इन्होंने सिविल सर्विस से रिजाइन दे दिया, अपनी सर्विस से रिजाइन दे दिया। और इसके पीछे का जो कारण है वो आपको मैं आपको बताना चाहूँगा, वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप मैंने काफ़ी कम लोगों को बताऊँ, वो ये है कि इनके रेजिग्नेशन के पीछे वजह थी इनका खुद का प्रोटेस्ट, इनका खुद का विरोध जो कि इन्होंने किया था अपने प्रमोशन को लेके, क्योंकि इनका मानना था कि जो प्रमोशन इनको मिलना चाहिए था वो प्रमोशन इनके जूनियर को यानी कि इनके बाद आए लोग जो कि इनसे जूनियर थे उनको मिल रहा था, और इनका प्रमोशन नहीं हो रहा था। तो ये इनका एक कारण और एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपने काफ़ी कम लोगों को बताऊँगा। और इसी के साथ यहाँ इस सिविल सर्विस को छोड़ने के बाद इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखना चालू कर दिया धीरे धीरे, मतलब पहले ये इंग्लिश में लिखते थे, इंग्लिश में छोटे छोटे टुकड़ों का वगैरह छोटी छोटी लाइनों को लेके फिर ये उसको उन लाइनों को मिला के फिर उसको कन्नड़ा लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको लिखते थे। तो फिर कुछ इस तरह इन्होंने अपनी कन्नड़ा राइटिंग को चालू किया। और उसके बाद इनकी पहली ही किताब आई थी 1910 में जिसका नाम था रंगना बालुगे, ये किताब है। और ये किताब इनकी आप कह सकते हैं कि इनकी करियर का स्टार्ट था एज अ राइटर। और उसके बाद इन्होंने 1944 से लेकर 1965 तक, यानी कि 1944 से लेकर 1965 तक एक मंथली जर्नल जीवना, ये मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, इसके ये एडिटर रहे। और 1983 में यानी कि 1983 में इनको जनपीठ अवार्ड मिला, और जनपीठ अवार्ड इनको मिला था इनकी किताब चिका वीरा राजेंद्र के लिए। इनका एक काफ़ी आप कहते काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रसिद्ध काम था इनका। और उस अवार्ड के मिलने के बाद इनका नाम उन चार लोगों के बीच, मतलब उन चार लोगों के बीच दर्ज हो गया जिन लोगों को जनपीठ अवार्ड मिला है। और उसके बाद इनकी आखिरी काम, इनका जो आखिरी इनकी बुक आई वो आई 1985 में, इनकी 1985 में, और उसका नाम था मगुतारा रावणा, ये मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। और अपने कार्यकाल के समय में यानी कि जब से लेकर और जब तक ये इन्होंने एज अ राइटर काम किया, एज अ राइटर इन्होंने किताबें लिखी, उस कार्यकाल में उस ड्यूरेशन में इन्होंने 123 किताबें कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखी हैं और 17 किताबें इंग्लिश में लिखी हैं। और अब चलिए थोड़ा इनके आखिरी समय के बारे में बात करते हैं। तो मास्टी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 6 जून 1986 को, यानी कि 6 जून 1986 को। और ये दिन इनका 95th बर्थडे था, यानी कि 95वां बर्थडे था इनका, जन्मदिन था इनका। और मास्ती का जो घर था जो कि मस्ती विलेज में स्थित था उसको गवर्नमेंट द्वारा एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसकी मेंटेनेंस गवर्नमेंट देखती है आज भी। और इसी के साथ आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है, और हम आशा करते हैं कि आपको मास्ती वेंकटेश यंगर के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और इस वीडियो को जितना सके आप लाइक करें, इस वीडियो को जितना सके आप शेयर करें। आपके कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है, क्वारीज है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हम जरूर आपके सजेशन पर काम करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, हमारी सभी सोशल साइट्स की लिंक्स यानी कि इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी सोशल साइट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी आप जाकर जरूर फॉलो करें। वहाँ पे भी आपको फॉलो अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसी साथ हमारे वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली।